भाई, यह मुसीब बरादरी है उनको मैं खुशामदीद कहता हूं और मैं आज मैं चाहता हूं कि आराम से और तहमन से आज मेरी आप बात सुने ताकि मैं आपको बताऊं कि एक तरफ हमें एक सुनहरी दौर नजर आ रहा है और दूसरी तरफ हमारा तबाही का रास्ता है। इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्रॉस रोड्स। जब एक माशरा एक उस मोड़ पे खड़ा हो जा सकता है कि वो सीधा नहीं जा सकता, या वो एक रास्ता लेता है और या वो दूसरा रास्ता लेता है। मैं आराम से चाहता हूं कि आप सब सुने। मुसलमान जब नमाज पढ़ता है तो अल्लाह से सिर्फ एक चीज नमाज में मांगता है कि अल्लाह कभी वलीउल्लाह शहीद, वो लोग जिनको अल्लाह ने पसंद किया, और दूसरी तरफ गुमराह लोग। तो एक कौम भी हर वक्त ये दो रास्तों के सामने खड़ी होती है। एक तरफ है अदल और इंसाफ का नाम रास्ता, वो रास्ता जुर्म दहशतगर्दी तबाही। तो मैं आज आपको एक पहले वीडियो दिखाता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि हम किधर खड़े और हमने जाना किधर है। ये जरा वीडियो देखिए, ये कल नवाज शरीफ ने एक स्टेटमेंट दिया, जरा मैं ये सुन ले और फिर मैं आपको आगे मजीद बात करता हूं। वजीर आजम ने कहा कि इतने घपले और करप्शन के स्कैंडल हैं कि अगर तहकीकात की जाए तो सारा वक्त इसी में चला जाएगा। इतना कुछ प्रूव होने वाला है, इतने घपले हैं, इतने यहाँ करप्शन के स्कैंडल्स हैं कि जितना कहा जाए उतना कम है। सुना, मियां नवाज शरीफ कह रहे थे कि यहां करप्शन इतनी है, हम क्या करें? अगर हम करप्शन को पर हाथ डालते हैं तो डेवलपमेंट नहीं हो सकती। सिंगापुर में उसने करप्शन पे हाथ डाला, इदारे मजबूत किए और वो डेवलपमेंट हुई जो मैं आज आपको बता रहा हूं कि वहां औसत आमदनी सिर्फ आपके जाति बैंक अकाउंट्स में होती है। आपके मेफेयर फ्लैट्स बनते हैं, आपकी जाति फैक्ट्रियां बनती है, कौम गरीब हो जाती है, छोटा सा तबका अमीर हो जाता है, मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो ये मुल्क बना था, कभी ना इस चीज को भूलना, ये मुल्क बना होती जाए, मकरूज होती जाए, पैसे चोरी करके जब बाहर जाएंगे तो मुल्क को कर्ज लिए, आईएमएफ से कर्ज लो, कर्ज वापस करने के लिए लेंगी, गरीब और मजीद गरीब होगा, गुर्बत बढ़ेगी। ये है हमारी तबाही का रास्ता। जब हम कर्जे जिन मुल्कों से लेंगे, हम अपनी आजादी खो बैठेंगे। हमें पूछे कि यहां इतनी महंगी बिजली है, तरक्की करती है, वो इदारे मजबूत करती है, और इदारे मजबूत वो कर सकता है जिसको खुद फिक्र ना हो, उसको खुद फिक्र ना हो कि अगर इंसाफ का निजाम ठीक होगा तो वो खुद पकड़ा जाएगा। इंशाल्लाह ये जो दूसरा रास्ता है, ये है पाकिस्तान के मुस्तकबल का रास्ता, खुशहाली का रास्ता।